देशभर में कोरोना के ग्राफ में भारी कमी आई है, लेकिन अभी भी इक्का दुक्का मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। कोरोना के कम होते प्रकोप के बीच बाड़मेर में गुरुवार को एक सुखद खबर आई है। बाड़मेर के आदर्श ढूंढा निवासी 45 वर्षीय भवरी देवी पत्नी भवरा राम ने 128 दिनों बाद कोरोना से जंग जीती है। भवरी देवी को 7 मई को बाड़मेर में भर्ती किया गया था। वहीं म्यूकोसिस ब्लैक फंगस के लक्षण आने के बाद उनका इलाज जोधपुर में चला और फिर बाद में वापस बाड़मेर चिकित्सालय में भर्ती किया गया था। गुरुवार को पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद चिकित्सक उन्होंने डिस्चार्ज किया। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 45 वर्षीय एक महिला की हालत ऐसी हो गई है कि उसे 128 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण उनकी हालत बिगड़ती चली गई और करीब 4 माह 8 दिन बाद जिला अस्पताल से फूलों की वर्षा कर डिस्चार्ज किया गया है। ऑक्सीजन के स्तर में लगातार गिरावट ने 45 वर्षीय महिला के स्वास्थ्य के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। वहीं जब महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो सीटी स्कोर 23 था। इसके बावजूद चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की मेहनत से ही 128 दिन बाद महिला को डिस्चार्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इस दौरान महिला को ब्लैक फंगस से मुकाबला करना पड़ा। बाड़मेर जिले के आदर्श ढूंढा गांव निवासी भवरी पत्नी दमाराम को 7 मई को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जब पूरा देश कोरोना वायरस संक्रमण महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा था और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज एक एक सांस को तरस रहे थे। यही वक्त था जब लोगों को अस्पताल में मुश्किल से बेड मिल रहे थे। आदर्श ढूंढा की 45 वर्षीय भवरी देवी को भी काफी मशक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया जा सका, जहां कोविड संक्रमण को लेकर उनका लंबा इलाज चला। वहीं भवरी देवी के पुत्र श्रवण कुमार बताते हैं कि ये वक्त काफी मुश्किल से निकला। यहाँ से पहले यहाँ भर्ती हुए 18 दिन यहाँ रहे, फिर ब्लैक फंगस हो गया। ब्लैक फंगस की वजह से जोधपुर एडमिट किया। जोधपुर वहाँ पर 2 महीने रहे। 2 महीने रहने के बाद वहाँ पर ब्लैक फंगस था, जिस बीमारी से ब्लैक फंगस दूर हो गया। उसके बाद वापस बाड़मेर आ गए, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। यहाँ 2 महीने रहे, फिर यहाँ से ऑक्सीजन हट गए। तो कितनी चिंता थी? बहुत बड़ी चिंता थी। यहाँ से जोधपुर गए तब बहुत डर लगा था, क्या ब्लैक फंगस जैसी बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी, उनसे ठीक होना और मुश्किल है। शुरुआत में मरीज की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। शुरू में पेशेंट आए थे, जब पेशेंट का सीटी स्कोर 23 था, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट की स्थिति सुधरती गई। उसके लगभग पेशेंट 3 महीने यहाँ पर रही है। इसके हमने भी बीच में नहीं सोचा था कि पेशेंट इतनी सही हो जाएगी, लेकिन कुछ हमने हमारे प्रयास, कुछ हमारे स्टाफ के प्रयास और हमारे प्रिंसिपल सर एंड पीएमओ मंसूरिया सर के निर्देशन में सब कार्य एकदम परफेक्ट किया। सब मेडिसिन उपलब्ध कराई गई और एकदम दिन ब दिन पेशेंट इम्प्रूव होता गया। उसके फलस्वरूप आज 4 महीने बाद भी पेशेंट एकदम सही होकर जा रहा है। तो बीच में सर ब्लैक फंगस भी हो गया था? हाँ, ब्लैक फंगस एक्चुअली इट्स ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोरोना। तो ये जो लॉन्ग टर्म पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को देखने को मिला था, बट पेशेंट को थेरेपी दी गई, उसके फलस्वरूप पेशेंट को ये रिजल्ट मिला। हालांकि इस दौरान ब्लैक फंगस होने के कारण जोधपुर में भी 25 मई से 14 जुलाई तक भर्ती रहना पड़ा। महिला का इलाज करने वाले डॉक्टर मनीष बैरवा के मुताबिक मरीज में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो गया था, जिसके कारण उन्हें पूरी तरह से उबरने में लंबा वक्त लगा। उन्हें लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती रही। ऑक्सीजन सपोर्ट पर उनकी निर्भरता बढ़ती गई, जिस वजह से उन्हें ठीक होने में लंबा वक्त लगा और लगभग 128 दिनों बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दी गई है।